वेलकम बैक टू माई चैनल। ये है जिंदगी। और बहुत दिनों के बाद अर्ली मॉर्निंग में उठी थी तो चली गई थी छत पे, तो सूर्योदय जो है वो बहुत ही दिनों के बाद दिखा है, क्योंकि थोड़ा सा लेट से उठने के बाद सूर्योदय हम लोग देख नहीं पाते हैं। लेकिन उस दिन मैं जल्दी उठी थी तो छत पे चली गई और सूर्योदय के दर्शन हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी सूर्योदय देखने के बाद एक अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है तो हम लोग आ चुके हैं एक मिठाई वाले शॉप पे, और ये ब्लॉग है दिवाली के टाइम का, तो देख सकते हैं कि मिठाई की दुकान में जो है वो मिठाइयाँ सजी हुई हैं। वैसे भी दिवाली में तो मिठाई खूब सारे घर में लाते ही हैं लोग। और एडिटिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से बहुत ही लेट से मैं आप लोगों के पास ये ब्लॉग पहुँचा रही हूँ। ब्लॉग बहुत सारे बने हुए थे और सभी जो है वो इधर उधर थोड़े से हो चुके थे, तो सबको अरेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। और यहाँ पे हम लोग खाने जा रहे हैं डोसा, और गर्मा गर्म डोसा जो है वो हमारे प्लेट में आ चुका है, तो बस यहाँ पे हम लोग डोसा एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे तो डोसा मैं घर पे ही बना लेती हूँ और मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन कभी कभी मार्केट में भी हम लोग कुछ कुछ खा लेते हैं, लेकिन अच्छा तो लगता है अब हम लोगों को घर वाला ही। तो पतिदेव जी वही यहाँ पे बता रहे थे कि घर में ज़्यादा अच्छा बना लेती हो तुम, और ख़ास करके सांभर और चटनी जो है वो घर वाली ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज है दिन कौन सा दिन है? मंडे, मंडे, मंडे। आज है मंडे और आज है धनतेरस के एक दिन पहले का दिन, और ये ब्लॉग जाएगा धनतेरस के दिन, और धनतेरस का ब्लॉग जाएगा छोटी दिवाली के दिन। तो अभी शाम के लगभग 6:30 बज रहे होंगे, और अभी हम लोग निकले हैं थोड़ी सी शॉपिंग के लिए। और मैं तो आई थी कुछ और काम के लिए, लेकिन पतिदेव जी की वजह से मुझे कहीं और जाना पड़ा। हम लोग कुछ कुछ खाने पीने के लिए रुक गए, और अभी तो हम लोग गली में हैं इसलिए ज़्यादा चहल पहल या फिर लाइटिंग वगैरह आपको नहीं दिख रही। अभी चलिए सड़क पे तो अच्छी खासी लाइटिंग भी दिखेगी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चहल पहल भी, क्योंकि अभी आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। और ब्लॉग तो कई सारे मैंने बना करके रखे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ शूटिंग हो जाती है, लेकिन एडिटिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, और काम करने की वजह से थकान बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए शूट भी करने का मन इतना नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं सब्जियों के मार्केट में, क्योंकि कुछ कुछ सब्जियाँ खरीदनी हैं। और जैसा कि देखा आप लोगों ने, मैंने अभी जस्ट कहा था कि ये ब्लॉग मैं धनतेरस के दिन डाल दूंगी, लेकिन वही बात हो गई थी कि एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था। थकान तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतने ज़्यादा काम करने के बाद ये वाला काम करने का मन नहीं होता था, तो इसी वजह से सारे ब्लॉग जो हैं वो बहुत ही लेट से जा रहे हैं। और इधर तो कोई ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि पिछले सारे ब्लॉग पहले अपलोड करूँगी, उसके बाद जब मोबाइल खाली होगा तभी नए नए ब्लॉग बना पाऊँगी। तो फिर इधर जो है वो काम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, तो आज किसी ना किसी तरह से टाइम निकाल करके इस ब्लॉग को मैं कंप्लीट कर रही हूँ और एडिट करके आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो इसके बाद एक ब्लॉग और है, और उसके बाद सारे ब्लॉग जो आएंगे वो न्यू आएंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जियाँ वगैरह परचेज कर लिए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे जहाँ की बहुत दिनों से मैं नहीं गई थी, तो चलिए दिखाती हूँ कि वो कौन सी जगह है।
और दिवाली, छठ या फिर कोई भी त्यौहार वगैरह होता है तो मार्केट की जो रौनक होती है वो कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि दिवाली में दुकान जो है वो कितने अच्छे से सजे धजे हुए हैं और मार्केट की रौनक इस तरह से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मार्केट में शॉपिंग करने का भी मज़ा जो है वो बढ़ जाता है। और निकले थे हम लोग कुछ कुछ खरीदने के लिए, उसके बाद अब हम लोग ढेर सारी शॉपिंग तो नहीं हुई है, कुछ कुछ की शॉपिंग हुई है सब्जियाँ वगैरह की। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल में। तो अभी दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा छूट दी जा रही थी तो, और बहुत दिनों से मॉल में नहीं आई थी तो सोची चलो थोड़ा सा मॉल भी देख लिया जाए क्या क्या अभी ऑफर चल रहे हैं और कौन कौन से सामान नए आए हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में जो सामान है वो अच्छे अच्छे आते हैं, कलेक्शन ज़्यादा अच्छे रहते हैं और थोड़े से डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और कुछ कुछ सामान देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फेस्टिव टाइम पे मॉल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलते हैं तो यहाँ पे भी डिस्काउंट थे और साड़ियों पे तो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिल रहे थे। और बस हम लोगों को मूड फ्रेश करना था और थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो हम लोग मॉल में पहुँच गए थे और अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा घूम फिर लेने से अच्छा फील होता है। तो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग थे क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया था, 9 बज चुके थे उस टाइम, तो इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी लेकिन लोग थे। और यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम है तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा छूट थी तो लोग परचेज कर रहे थे, लेकिन मुझे ग्रॉसरी आइटम नहीं परचेज करने थे इसलिए मैंने नहीं किए हैं, कुछ सामान मैंने परचेज किए हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।